looking at my boss and moving the page. लेकिन अब मेरा कोई इरादा नहीं था पैदल मार्च करने का। मैं बड़े आराम से गाड़ी में बैठ के दफ्तर आता, जिस तरह मैं हमेशा करता आया हूँ। मैं ड्रामा करने के आदी नहीं हूँ, लेकिन आज इन लोगों ने मुझे मजबूर किया कि मैं घर से निकल के पैदल दफ्तर आऊं, क्योंकि इन लोगों ने मेरी सारी गाड़ियां रोकी, मेरी सिक्योरिटी को निकलने की इजाजत नहीं दी। मकसद इनका यही था कि मैं दफ्तर ना पहुंच पाऊं और जो 13 जुलाई के जो शहीद हैं उनको श्रद्धांजलि ना पेश करूं। मैं निकला, पैदल चला, दफ्तर पहुंचा। और अगर ये बार बार इसी तरह करेंगे तो मेरे पास भी और कोई चारा नहीं रहेगा, मुझे भी यही इसी तरह के हरबे करने पड़ेंगे। उमर साहब, लड़ाई एक और भी है, जो छुट्टी थी हमारे यहाँ स्टेट में वो खत्म कर दी, महाराजा की छुट्टी हो गई। हुकूमतें बदलती हैं, हुकूमत के फैसले बदलते हैं, वक्त थोड़ा बदलता है। आज एक छुट्टी कैंसिल हुई, दूसरी छुट्टी लगाई गई, कोई बात नहीं ना, ये दौर भी बदल जाएगा। जिस तरह इन्होंने कलम का इस्तेमाल करके कई छुट्टियां कैंसिल की, कई छुट्टियां डाली, उसी तरह नई हुकूमत आएगी, वो भी कई छुट्टी कैंसिल करके नई छुट्टियां डाल देंगे, कोई बात नहीं ना। उमर साहब, चूंकि आपने पैदल मार्च किया, आपने अपने स्पीच में भी बोला है, जहां सुप्रीम कोर्ट में यही बताया जा रहा है एवरीथिंग इज नॉर्मल, दूसरी तरफ से एक फॉर्मर चीफ मिनिस्टर फातिया पढ़ने के लिए नहीं जा रहा है, ये एक चीफ मिनिस्टर का हाल है, तो आम लोग क्या एक्सपेक्ट करेंगे, आने वाला फ्यूचर क्या होगा हमारे कश्मीर का? अब ये लोग हमारे फ्यूचर को ज्यादा और बर्बाद नहीं कर सकेंगे। मामला सुप्रीम कोर्ट के सामने है, सुप्रीम कोर्ट ने भी इनकी बात को माना नहीं। चीफ जस्टिस साहब ने बिल्कुल वाजिया तौर ये कहा कि जो इन्होंने पॉलिटिकल एफिडेविट फाइल किया, उस एफिडेविट का उनके फैसले पे बिल्कुल कोई असर नहीं होगा। बड़ी अच्छी बात है, ये लोग अपना झूठ बोलते रहेंगे लेकिन उनके झूठ का कोई असर नहीं होगा। और सब 30 तारीख को जो यहाँ कॉन्फ्रेंस थी जजेस, सुनने में आया कि उनको शायद यही दिखाया गया था कि एवरीथिंग इज नॉर्मल, आप भी खुद जायजा लीजिए कि वाकई 370 की यहाँ जरूरत नहीं। देखिए, आप, मैं जानता हूँ उस वक्त हाल क्या था, घर नहीं पहुँच सके हम लोग जो गुप्का रोड पर रहते हैं, पूरा दिन ये इलाका बंद था क्योंकि जजों की कॉन्फ्रेंस थी। SKICC के सामने आप में से किसी को गुजरने की इजाज़त नहीं दी गई। हमारे जो ट्रेनिंग बटालियन हैं, पुलिस ट्रेनिंग ये स्कूलों में, उनको खाली कर दिया गया था यहाँ और ज़्यादा पुलिस तैनात करने के लिए। यहाँ हालात नॉर्मल नहीं है ना। हालात नॉर्मल मैं तब मानूँ जब हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब राजभवन से एयरपोर्ट पहुँचे बिना ट्रैफिक रोके।
फिर मैं मानूं कि हालात नॉर्मल हैं। आज हालात ऐसे हैं कि 10-10, 15-15 मिनट पहले आप लोगों को रोका जाता है, फिर गवर्नर साहब, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब की गाड़ियां निकलती हैं। आज हाल देखिए ना, आज तो गवर्नर साहब की खाली गाड़ियों के लिए भी ट्रैफिक रोका जाता है। गाड़ी में एलजी साहब थे नहीं, उसके बावजूद ट्रैफिक रोका गया ताकि उनकी खाली गाड़ी हवाई अड्डा पहुंच सके। ये आपको नॉर्मल लगता है? मुझे तो नॉर्मल नहीं लगता। इलेक्शन की कोई पॉसिबिलिटी नहीं दिखती है। पहली बार आपने कहा कि अगर मुसलमान होता, ये लोग अगर हिंदू होते या कोई और मजहब के होते तो शायद चले गए होते। हकीकत है ना, वक्त लगा इस चीज को अंडरस्टैंड करने में। कोई सारी चीजें जानते हुए पैदा नहीं होता, जैसे जैसे हालात बदल जाते हैं आदमी सीख जाता है। मैं भी इनकी असलियत जो है सीख चुका हूँ। इस सिचुएशन को देखते हुए इलेक्शन की पॉसिबिलिटी नहीं लगती है? देयर इज एन अटेम्प्ट टू डिस्टॉर्ट द हिस्ट्री ऑफ इंडिया। व्हाई वुड दे नॉट ट्राई एंड डिस्टॉर्ट द हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर? लुक एट द वे एंटायर टेक्स्ट बुक्स आर बीइंग चेंज्ड। Look at the way entire chapters are being deleted. The authors of those textbooks are now refusing to acknowledge that those books had anything to do with them. They want their names withdrawn from those textbooks because they don't want to be associated with those books. There is a concerted effort being made to rewrite the history of the Union, and in that obviously there is an attempt to rewrite the history of Jammu and Kashmir as well. Okay.